अस्सलाम वालेकुम फूडीज़, कैसे हैं? खैर खैरियत से हैं। मैं हूं शेफ़ मुजम्मिल और आपने आज से पहले एक ही वीडियो में मुझे देखा होगा फूडीट पे, जो अपलोडेड है ऑलरेडी। तो फूडीट बनाया था, शौक़ से बनाया था कि यूट्यूब पे काम करेंगे, लेकिन नहीं कर सके, टाइम था कुछ मसरूफियात की वजह से। तो अभी मैं इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा है कि यार सब लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, तो यार हम प्रोफेशनल भी हैं तो हम क्यों ना करें। यूट्यूब पे ऐसे ऐसे लोग आए हुए हैं, गांव देहातों में बैठ के लोग काम कर रहे हैं और उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, तो यार हम प्रोफेशनल हैं, हम ये काम क्यों नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैं 2006 से इस फील्ड में आया था। पाकिस्तान में डिफरेंट होटल्स, फाइव स्टार होटल्स, रेस्टोरेंटों में काम करने के बाद मैं मिडल ईस्ट आ गया, फिर पाकिस्तान चला गया। अब जिस जगह में मैं आया हूँ, इसके बारे में मीडिया में बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ आप सब लोगों ने सुन रखी होगी कि सऊदी अरब एक समंदर के नज़दीक पहाड़ों में दुनिया का एक सबसे जदीद शहर बना रहा है, जिसका नाम है नियोम सिटी। तो मैं इस टाइम नियोम सिटी के अंदर मौजूद हूँ। ये सिटी अभी बन रहा है, दिन रात काम हो रहा है, लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स की, कंक्रीट की प्रॉपर शुरू नहीं हुई। तो जो लोग ये शहर बना रहे हैं, उन लोगों को आरजी अकोमोडेट करने के लिए पोर्टेबल्स अकोमोडेशन बनाई गई हैं, जो मैं फर्दन नेक्स्ट आने वाले व्लॉग्स में आपके साथ शेयर करूँगा। तो बेसिकली आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपसे थोड़ा सा अपने बारे में डिस्कस कर लिया जाए। तो आज की वीडियो एक छोटे से मैसेज के साथ शुरू करूँगा कि पाकिस्तान में शवारमा बनता है, आप सब लोगों ने देखा होगा, लेकिन जो शवारमा है वो बेसिकली अरबिक फूड है। तो पाकिस्तान में उस तरीके से शवारमा नहीं बन रहा जो रियल शवारमा होता है। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान में आपने शवारमा खाया फीटा ब्रेड के अंदर, वो फ्लफ़ी सी ब्रेड जो होती है उसको फीटा ब्रेड बोलते हैं, जबकि शवारमा बेसिकली टोटीला ब्रेड में या टोटीला रैप में सर्व किया जाता है तमाम मिडल ईस्ट में। तो आज हमारे जो डाइनर है नियोम सिटी के अंदर, हमारा एक डाइनर है, तो हमारे यहाँ लाइव शवारमा बन रहा है। तो मैं आज आपको दिखाता हूँ शवारमे की मैरिनेशन किस तरह की जाती है, किस ब्रेड में बनाया जाता है और किस तरह सर्व किया जाता है। तो आइए मेरे साथ देखते हैं अरबिक शवारमा। अच्छा, तो फूडीट लवर्स, जितने भी मेरे फूडीट के सब्सक्राइबर्स हैं, ये देख लिए मेरे पीछे शवारमे की दो मशीनें लगी हुई हैं, इन पर चिकन लगा हुआ है और ये हम ओपन एयर है सारा। यहाँ पे किस तरह हम सर्व करते हैं, ये मैं अभी जो हमारे इजाज़ भाई हैं, शेफ़ हैं, वो किस तरह बनाते हैं इसको, उनकी से आपको रेसिपी भी लेके देते हैं और शेयर भी करते हैं। उबैद, क्या हाल है? ठीक हो? तो ये भी शेफ़ हैं, शेफ़ उबैद हैं, ये भी शवारमे पे काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अभी चलते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा जी, तो फूडीट लवर्स हमारे दोस्त हैं शेफ इजाज, मिडल ईस्ट में काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। तो आज हमारा लाइव शवारमा है, तो शवारमे की डिटेल के बारे में इजाज भाई आपको थोड़ा सा बताएंगे। इजाज भाई, आपको मिडल ईस्ट में काम करते कितना अरसा हो गया? जी इंजमल भाई, मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल हो गए सऊदी अरब में। अच्छा, तो 13 साल से इधर काम कर रहा हूँ, तो मुख्तलिफ लोकेशन में। अभी हम नियोम सिटी में हैं, शर्मा नियोम सिटी में। अच्छा इजाज भाई, ये जो शवारमा है इसकी मैरिनेशन के बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं जरा। जी ये जो शवारमा है ये बोनलेस चिकन है, और उसके बाद जनाब इसमें हमने मैरिनेशन किया इसकी। फर्स्ट इसमें आता है जिंजर गार्लिक का पेस्ट आता है, उसके बाद इसमें आप मस्टर्ड भी ऐड कर सकते हैं, योगर्ट ऐड कर सकते हैं, सॉल्ट एंड पेपर, एंड उसके बाद जो है ना मिक्स करके इसमें मैरिनेशन रेडी करके इसको आप मिक्स करें चिकन में, मैरिनेशन करके फिर आपको इसमें स्कीवर में चढ़ाना होता है। स्कीवर में चढ़ा के फिर आपको कुकिंग करनी है, उसके बाद इसको काटें ज़रा थोड़ा।
अच्छा जी व्यूवर्स, तो ये देख लें, ये है टुटीला रैप, इसमें शवारमा बनाएंगे। ये अब हमने लगाई गार्लिक सॉस और इसके अंदर डालेंगे हम लेटस, ऑनियन, टमाटो। गार्लिक सॉस बनाने की रेसिपी भी एक हम अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो अभी जस्ट हम आपको दिखाते हैं कि टुटीला ब्रेड में शवारमा किस तरह बनता है। लेटस डाले, ऑनियन डाले, टमाटोज, और देन जो चिकन हमने शवारमे का मशीन से काटा, ये रहा चिकन, और ये चिकन डाला। क्या खूबसूरत लग रहा है। अब इसको किया जाएगा रैप। रैप करने के बाद जनाब, ये एक टोस्टर है, ये रहा जी टोस्टर। इस टोस्टर के ऊपर इसको रख के टोस्ट किया जाएगा और देन शवारमा आपका रेड। काटें जी। अच्छा, द फूड इट लवर्स, शवारमा हमारा रेडी है। और मैं अपने देखने वालों को एक बात बता दूं, और ये मैं चैलेंज से कह सकता हूं कि ये है असली शवारमा। पाकिस्तान में जो आप लोग शवारमा खाते हो फीता ब्रेड में, मेरे दोस्तों, वो शवारमा नहीं है। वो शवारमे के नाम पे आप लोगों के साथ मजाक किया जा रहा है। तो ये रियल शवारमा है। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, राइट टेस्ट है। आगे शवारमे की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह, और बहुत सारे व्लॉग आने वाले हैं। 2 साल से चैनल बनाया हुआ था, वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था। अब इंशाल्लाह हर दिन वीडियो अपलोड होगी। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि फूड ईट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।